अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख समरीन। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी यही है कि आप सब लोग खैरियत से हों। तो चलिए बनाते हैं मटकी चाट या मटकी की चाट। ये मैंने बाज़ार वाली मट ली है। अगर आप लोग चाहें तो घर में भी जो प्रोसीजर होता है मटका भिगो कर 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 वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सादा करके बाज़ार की ही मट यूज़ करती हूँ। ये 1 kg मट है। इसे मैं एक पैन में डाल दूंगी, साथ ही में मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करूंगी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है जिसमें हमारी मट थोड़ी सी गल जाए। इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाला है, 1 टेबल स्पून नमक है और उसी के साथ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। बस ये हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कभी कभी सबको कंप्लेन होती है मट बनाते टाइम कि आप इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दिया है या ये बहुत ही तेज़ हो गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। चटपटा सा एक चाट वाला मज़ा आएगा। अब इसे हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। ये देखिए हो चुकी है। अब चलिए आते हैं अपनी प्लेटिंग की तरफ। मैं एक प्लेट में इसे ले लूँगी। सबसे पहले मैंने मटकी डाल दी है प्लेट में। अब इसी के ऊपर मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ ही में मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी, उसी के साथ मैं टमाटे डालूंगी बारीक कटे हुए, कुछ कैरी डालूंगी। अगर आप इसके ऊपर खीरा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते, और साथ ही में मैं इसके ऊपर डालूंगी दही। दही के अंदर मैंने नमक और थोड़े से शक्कर मिलाई है। अगर आपको डालना है तो डालें वरना स्किप कर दें। इसके ऊपर अब मैंने डाला है सेव। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।